भारतीय संगीत प्राचीन काल से भारत में सुना और विकसित होता संगीत है। इस संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। इसका मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। हिंदू परंपरा में ऐसा मानना है कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को संगीत वरदान में दिया था। गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में माना गया है। तो समय के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देने हेतु अनेक संगीतज्ञ हुए, जिन्होंने अपनी कला से संपूर्ण संगीत जगत को न सिर्फ अभिभूत किया अपितु स्वयं को संगीत पूरक के रूप में स्थापित किया और प्रेरणा का स्रोत बने। ऐसे सभी गुणी गुरुजनों को हमारा शत शत नमन। ಬಂದ ಅದ್ಭುತಂಗ ಶಿರಸಿ ಚಲನಂ ಚಲನಂ ಹೃದನಂ ಇದನಂ ಹೃದನಂ ಇದ ಚಂದ್ರವದಂಗ ಕಂಕಣ ಕಿಂಚಿತ ನಂಗನಂ ಪದರದರದಿಮಿ ದಿಮಿ ಜಣು ಜಣುದಂ ತದಿಲ್ಲ ನಗನಗ ಭೂಷಣ ತಗಿದ ತಗಸ್ ಕಡಾಯ ಬುಧಕರ ಮಂದಸ್। कोटा शहर में स्थापित सनशाइन म्यूजिक एकेडमी एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर गायन और वादन का प्रशिक्षण श्री ब्रजेश जी दाधीच द्वारा दिया जाता है। तो इस शहर के लिए ब्रजेश दाधीच जी का नाम संगीत के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी संगीत कला से वे वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और संगीत प्रेमियों को संगीत के माधुर्य का रसा स्वादन कराते आ रहे हैं। संगीत सम्राट श्री नौशाद साहब से लेकर पंडित विश्व मोहन भट्ट और कई संगीत पुरोधाओं के सानिध्य में संगत करने का सौभाग्य श्री दाधीच जी को मिला और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हम समस्त सनशाइन म्यूजिक एकेडमी के शिष्य अपने गुरु श्री ब्रजेश दाधीच जी सहित समस्त गुरुजनों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे ऐसे ही इस संगीत के क्षेत्र में अपना निरंतर योगदान देते रहें और नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहें।